रामनवमी पर जिले में बृहस्पतिवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवा झंडे और श्री राम के जयकारों के गगनभेदी जयकारों के बीच निकाली शोभा यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़े की धुन पर श्री राम भक्त जमकर थिरके। इस दौरान युवाओं ने विविध तरह के कर्तव्य दिखाते हुए शौर्य का प्रदर्शन किया। रॉबर्ट संगज नगर के विजयगढ़ वाटिका स्थित श्री राम जानकी मंदिर में शोभा यात्रा आरंभ हुई। धर्मशाला चौक में चंडी होटल, मैन चौराहा, बड़ोली चौराहा, कचहरी होते हुए महिला थाने तक पहुंची। शोभा यात्रा में श्री राम दरबार की भव्य झांकी रथ पर आसीन रही। विभिन्न देवी देवताओं का रूप धरे कलाकार शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा में शामिल युवाओं की टोली हाथों में लाठी डंडा और तलवार लिए अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह भक्तों ने फूल बरसा कर यात्रा का स्वागत किया, श्री राम दरबार की आरती उतारी और सोहार भी गाया। विभिन्न संस्थाओं ने स्टॉल लगाकर भक्तों को चाय, शरबत, पानी आदि उपलब्ध कराया। जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गूंजमान रहा। शोभा यात्रा में सदर विधायक भूपेश चौबे, अखाड़ा परिषद के संरक्षक शिवशंकर गुप्ता, अध्यक्ष धर्मवीर तिवारी, महामंत्री प्रमोद गुप्ता, जिला प्रचारक दीपक नितिन, पूर्व चेयरमैन विजय जैन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत पटेल आदि मौजूद रहे। कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? ये विजयगढ़ पेट्रोल पंप से शुरू होकर के पूरे नगर का भ्रमण करते हुए उसके बाद ये यहीं पर समाप्त होगी। और इस यात्रा में सभी व्यापारी जो हमारे हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और सबसे प्रथम श्री राम रामनवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई व्यापार मंडल की ओर से। और व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते हमारी अपील पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और हर्षोल्लास पूर्वक श्री रामनवमी को मना रहे हैं। और रामनवमी की शोभा यात्रा को वे भागीदारी लेकर के शोभा यात्रा को मतलब शुरू प्रदान कर रहे हैं। जी भैया, आज ये भव्य शोभा यात्रा निकल रही है राम जन्मभूमि पे, आपका जनता के लिए क्या संदेश है? शोभा यात्रा ही अपने आप में संदेश है कि राम सबके और राम सबके राम और राम का जीवन हम थोड़ा भी उसमें घाट प्रसाद कर सकें। हर व्यक्ति शोभा यात्रा में आकर राम जी के जीवन से प्रेरणा लेने का एक प्रयास है। छोटा सा एक होली रावणगंज में एक शोभा यात्रा के माध्यम से जन जन तक कि राम सबके हैं, राम का जीवन एक आदर्श जीवन है। आप पारिवारिक जीवन में अगर उसको थोड़ा आत्मसात करेंगे तो सब लोग सुखमय और सुख शांति से रहेंगे। यही अच्छा जी, आपका नाम क्या है? रमेश मिश्रा। किस पद पे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष। आज जो यह शोभा यात्रा निकली है इससे जन जन को क्या संदेश है? आज ये शोभा यात्रा राम नवमी के शुभ अवसर पर निकली है। आज हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि जब से हमारे आज जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, जाने जब तक देश हर छोटे से लेकर बड़े स्थानों पर जो है राम जन्मभूमि को मनाया जा रहा है। रावणगंज में कम से कम 10-12 स्थानों पर जो है जन्मोत्सव मनाया गया। ये यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? ये यात्रा है ऐतिहासिक यात्रा है। इसमें जो है पूरा जब रावणगंज नगर के हमारे हिंदू भाई जो है श्रद्धा पूर्वक हो रहे हैं, पूरे नगर में भ्रमण करेंगे। और एक जो समर्पण दिखाई दे रहा है लग रहा है कि आने वाले समय में जो परिकल्पना हमारे साथी ने किया है उसके तहत जो है इस राज्य में पूरे विश्व में भारत जो है अपना स्थान रखेगा। और इस अवसर पर श्रीमी के अवसर पर हम जो है इस जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि आप राम राम के जो है आदर्शों और विचारों को आप ध्यान रखते हुए आगे जो है समाज का काम करें।